तो फ्रेंड्स, अभी हम मनाली के मॉल रोड में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ मॉल्स हैं। तो हमने मनाली के लगभग सब जगह घूम लिए हैं। सोलांग वैली चले गए, उसके बाद हडिंबा टेंपल गए, मनु टेंपल गए, वशिष्ठ मंदिर भी गए। लास्टली हम अभी मॉल रोड में घूम रहे हैं। और ये मॉल रोड में एक और मंदिर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ एक दुर्गा मंदिर है। तो ये दुर्गा मंदिर है फ्रेंड्स, मनाली का मॉल रोड में ही है, बिल्कुल मॉल रोड के बीचों बीच। तो इसका भी आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, मैं फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फ्रंट कैमरे से माता दुर्गा का मंदिर, जो कि मनाली मॉल रोड के बीचों बीच है। और ये है इसका क्लोज लुक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड कार्विंग्स बहुत ही आर्टिस्टिक है। और मनाली मॉल रोड के बीचों बीच ये माता दुर्गा का मंदिर बहुत ही ब्लेसिंग्स दे रहा है सबको। मनाली मॉल रोड का व्यू मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देखिए, लोग आ जा रहे हैं, बिल्कुल खुली सड़क है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, लोग सिर्फ चल कर जाते हैं मॉल रोड में। आप देख सकते हैं, ये मेरी मिसेस और मेरा बेटा आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मॉल रोड का व्यू कैसा लगा कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉल रोड। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इज़ द लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट ऑफ मनाली। और ये मनाली मॉल रोड में ही सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू। यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेटफॉर्म टाइप से कुछ है और चारों तरफ देवदार के ट्री हैं। और इस खुले मैदान में कुछ लड़के फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बच्चे। और यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, चारों तरफ वुलन क्लोथ्स, पश्मीना, वुल एट्सेट्रा से कुछ बनी हुई है चारों तरफ। तो गर्म कपड़े यहाँ पर बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और ये लोकल मार्केट है, बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स मनाली का ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट। हमने लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट से कुछ चीज़ें भी खरीद ली हैं। तो कैसा लगा आपको आज तक का मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम हिमाचल प्रदेश के सबसे मेन डिश, बहुत ही फेमस डिश सिड्डू, इसे कहते हैं सिड्डू। तो हम सिड्डू ट्राई करने जा रहे हैं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ कुछ चटनी भी रखी हुई है, हम कट करके दिखाते हैं।
यहाँ चटनी रखी हुई है और यहाँ दही है और ये सिड्डू है, तो ऊपर से कुछ मसाले भी डाले गए हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं सिड्डू कैसा है। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट तो मुझे कुछ वेज मोमो जैसा ही लगा, वेज मोमो विथ चटनी और ये दही भी है। टेस्टी है फ्रेंड्स, इसमें वो चावल का पेस्ट को स्टीम करके अंदर इसमें कुछ पेस्ट डाले गए हैं, कुछ वेज पेस्टी है इसमें, ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट हैं, नॉन वेज कुछ नहीं है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, ऑलमोस्ट लाइक वेज मोमो। या इट्स टेस्टी, आप बताइए आपको कैसा लगा। गर्मा गर्म दही के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी। ये चटनी के साथ इसे मिलाइए इस तरह से और थोड़ी सी दही भी ले लीजिए साथ में और मुंह में डालिए और एक बार खिला दो ना इन लोगों को जो जो देख रहे हैं, आप भी खाकर देखिए एक बार। तो मेरा बेटा कुछ जॉक्स कर रहा है फ्रेंड्स आपके साथ, आपको भी खिलाना चाहता है, तो खा के देखिए आप भी, बहुत ही टेस्टी है। और एक लास्ट बाइट में टेस्ट करके देखता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे मेन डिश सिड्डू भी हमने ट्राई कर लिया, वेरी नाइस, स्पाइसी था कुछ, चटनी के साथ खाने में मज़ा आ गया। चलो बाबू, तो आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, जब भी हिमाचल प्रदेश आए तो सिड्डू ज़रूर ट्राई करें।